गाइस, मैं खुशी हूँ, आपका स्वागत करती हूँ हेजी न्यूज में। दिवाली और धनतेरस बीतते ही अभी सोने और चांदी में भारी गिरावट देखने के लिए मिली है, तो चलिए जानते हैं कि आज का सोने का भाव क्या है। मेरे साथ बने रहिए, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करती है आज की न्यूज। तो गाइस, आप लोग को पता है कि दिवाली भी बीत चुकी है, धनतेरस भी बीत चुका है, अभी छठ पूजा आने वाली है और ये चार दिन तक चलेगी। और उस दौरान एक्चुअली जब धनतेरस होता है, जब दिवाली होती है, उसके बीच में सोना और चांदी बहुत ज्यादा खरीदा जाता है। आप लोगों ने भी सोना और चांदी बहुत ज्यादा खरीदा होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब लक्ष्मी माता की दिवाली पे पूजा करते हैं तब उन लोगों को ये चीज पता होती है रस्मों के हिसाब से कि पूजा के अंदर आप लोगों को चांदी का सिक्का रखना काफी ज्यादा जरूरी होता है। और उसी के साथ आपकी जो आपके घर की जो ज्वेलरी होती है, आप भी लक्ष्मी माता के सामने उसको रखते हो कि इससे भी ज्यादा बड़े नेक्स्ट ईयर आप वो भी सामने रखें, लक्ष्मी माता की उसके ऊपर कृपा हो। ये सब चीजें आप और भी सब चीजें लेके आते हो कि लक्ष्मी माता ने आपके ऊपर सर, आपके सर के ऊपर हाथ रखा है। पर उसके बीच में बहुत ज्यादा ऐसा भाव बढ़ गया था जो कि लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। जो लोग एक्चुअली हर साल खरीदते हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने इस साल सोना और चांदी खरीदा नहीं था उसके भाव की वजह से। ये जब त्योहार निकले तभी के तभी सोने में इतनी तेज गिरावट देखने के लिए मिली। आज मैं अगर आपको बताऊं कि सोने का जो रेट है वो काफी ज्यादा कम हो चुका है, यानी कि 10 ग्राम के ऊपर कम से कम 548 रुपीज कम हो चुके हैं। और आज का सोने का भाव प्रति दस ग्राम के ऊपर 38,857 रुपीज है। और जैसे कि मैं चांदी की बात कर रही हूँ, चांदी एक्चुअली खरीदना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है और धनतेरस के दिन पे तो चांदी को ही पूजा जाता है, चांदी को ही खरीदा जाता है। बोलते हैं कि ये जो चांदी होती है ये काफी ज्यादा शांति का प्रतीक मानी जाती है, और शांति का प्रतीक जो चीज होती है उसको अगर आप घर पे लेके आते हैं धनतेरस के दिन पे तो पूरा साल आपके घर पे शांति रहती है, कोई भी ऐसा लड़ाई झगड़ा या कोई भी ऐसा विवाद नहीं होता आपके घर में। पर अभी धनतेरस चला गया है, आपने खरीदा भी होगा, कुछ लोगों ने खरीद भी नहीं पाए होंगे। तो आज का अगर मैं चांदी का भाव बताऊं तो प्रति एक किलो के ऊपर 1,190 रुपए कम हुआ है, यानी कि अभी का रेट चांदी का है 47,090 रुपीज। तो गाइस, आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे त्योहार आए वैसे वैसे सोने का जो रेट था वो ऊपर नीचे होता गया, पर अभी सोने का रेट और चांदी का रेट काफी ज्यादा गिरा है। अगर आपको जान के काफी ज्यादा खुशी हुई है और आप छठ पूजा मनाने वाले हो तो आपको इन एडवांस हैप्पी छठ पूजा, और उसी के साथ अगर आप सोना और चांदी खरीदने वाले हो उसके लिए आपको काफी ज्यादा खुशी हुई है कि थोड़े बहुत भाव गिरे हैं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हैप्पी छठ पूजा आप हमें भी विश कर सकते हैं, उसके लिए आपको कमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी के साथ अगर आपने अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HD न्यूज़।